बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका इंस्ट्रक्टर उफक राजपूत हूँ। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर पैटर्न देखेंगे और साथ हम इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम इसका पेपर पैटर्न देखते हैं। पेपर में वो आपको 20 MCQs देगा, जिनके 20 मार्क्स होंगे, और जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 30 मिनट्स दिए जाएंगे। पहले जो 10 MCQs होंगे, पहले 10 MCQs बुक वन से लिए जाएंगे, ठीक है। बुक वन से शॉर्ट स्टोरी से लिए जाएंगे, बुक थ्री प्लेज और पोएम से लिए जाएंगे, ठीक है। पहले 10 MCQs आपको सिनोनिम्स देगा। उसके बाद इस बी पार्ट में 5 MCQs होंगे, ये भी बुक वन, बुक थ्री और बुक थ्री में प्लेज और पोएम्स से ये MCQs लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सी पार्ट होगा ये ग्रामर से होगा, ठीक है। करेक्शन ऑफ वर्ब्स होंगे इसमें, ठीक है। आपने फॉर्म ऑफ जो वर्ब्स हैं उसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपने बताना है, ठीक है। ये ग्रामर से होगा। ये था आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव पार्ट। ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, इसमें टोटल 80 मार्क्स होंगे, क्योंकि 20 के MCQs 80 ये हैं। तो इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा 2 आवर 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा ये आपकी बुक वन से होगा, शॉर्ट स्टोरीज होंगे। टोटल 9 आपको क्वेश्चन देगा, टोटल 9 आपको क्वेश्चन देगा, जिनमें से आपने कोई 6 पार्ट करने हैं, ठीक है। कोई 6 पार्ट करने हैं। अब आप पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें कितने लेसन्स मौजूद हैं। ये स्टार्ट में उसने दिया है, स्टार्ट में उसने बताया हुआ है कि स्मार्ट सिलेबस में आपका लेसन वन है, लेसन वन, लेसन थ्री, लेसन फाइव, लेसन सिक्स, 8, 11, 8, 10, 11, 13 और 14, ये आपके लेसन्स हैं, ठीक है। तो ये आपने करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आएगा, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे, यानी ये मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 आपके सेलेक्टिव लेसन्स हैं, आपने वो करने हैं। उसके बाद ये था ए पार्ट। इसका बी पार्ट है, इसमें फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन देगा। ये कहाँ से आएंगे? वन एक्ट प्ले से आएंगे। टोटल वो आपको 8 पार्ट देगा, टोटल आपको 8 पार्ट देगा, जिनमें से आपने 5 पार्ट करने हैं, 5 पार्ट करने हैं। टोटल वो आपको 8 देगा, टोटल आपको वो 8 देगा। तो यानी ये आपके जो वन एक्ट प्ले है इसमें दूसरा और तीसरा प्ले मौजूद है, ठीक है। दूसरा और तीसरा प्ले आपने करना है, दूसरा और तीसरा, पहला प्ले नहीं उसने दिया, ठीक है। ये स्मार्ट सिलेबस में है। अच्छा, सी जो पार्ट है इसमें दोबारा आपको शॉर्ट क्वेश्चन देगा, वो 6 पार्ट देगा। अब 6 पार्ट देगा, जिनमें से आपने कितने करने हैं? कुछ 4 करने हैं। ये कहाँ से आएंगे? ये पोएम्स में से आएंगे, ठीक है। अब पोएम्स आपने कितनी करनी है? आपके स्मार्ट सिलेबस में जो पोएम्स हैं, पहली पोएम, तीसरी, छठी, आठवीं, ठीक है, 10वीं, 12वीं, 16वीं, 17वीं, उसके बाद 18वीं और 20वीं, ठीक है। ये आपने पोएम्स करनी है, यानी ये सी पार्ट हमने कर लिया है। अभी तक हमने क्या देखा है? MCQs देखे हैं, आपके पेपर पैटर्न में MCQs हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। ए पार्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बुक वन से है, जो बी पार्ट में है वो प्ले से MCQs लिए गए हैं, जो सी पार्ट है पोएम्स में से लिए गए हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट का एक दूसरा हिस्सा है जिसे सेक्शन 2 कहते हैं, ये ग्रामर से होगा। कुछ इसके क्वेश्चन ग्रामर से होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ये ग्रामर यानी इंग्लिश बी से है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें या तो आपको एक लेटर देगा या फिर आपको एप्लीकेशन देगा, लेटर और एप्लीकेशन। इसके 10 नंबर होंगे, ठीक है, इसके 10 नंबर होंगे। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके 8 नंबर, इसमें 5 करने थे 10 नंबर, और इसके 20। अब जो लेटर है इसके 10 नंबर होंगे। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 पूछेगा, इसमें आपको 2 मोरल्स स्टोरीज देगा, जिनमें से कोई आपने एक करनी है, इसके भी 10 नंबर होते हैं। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, इसके दो पार्ट होंगे ए और बी। ये बुक 1 से लिए जाएंगे, एक बुक 1 और बुक 3 से लिए जाएंगे। जो ए पार्ट है ये एक स्टैंजा आपको देगा, ठीक है, जिसका आपने रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने, इसके 5 नंबर होंगे। और बी पार्ट बुक 1 से होगा, ये बुक 3 से यानी पोएम्स में से होगा। ये बी पार्ट जो होगा ये भी 5 नंबर, इसके 5 नंबर होंगे, ठीक है। इसमें वो आपको एक या दो लाइंस देगा, जिसके लिए कहेगा कि इसकी पंक्चुएशन लगाएं, ठीक है। तो इसके 5 नंबर होंगे, ये बुक 1 से आएगा। ज़्यादा जो पंक्चुएशंस पूछी जाती हैं एक्सरसाइज में से पूछी जाती हैं। उसके बाद ए पार्ट, बी और सी। सी पार्ट फिर 5 नंबर का होगा, इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स आपको देगा, कोई कोई 7 पेयर ऑफ वर्ड्स देगा जिनमें से आपने 5 करने हैं, 5 के 5 ही नंबर होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो पेपर में देगा वो ट्रांसलेशन देगा, ए की ट्रांसलेशन देगा, ठीक है, इंग्लिश में एक पैराग्राफ देगा जिसे आपने उर्दू में लिखना है। इसके 15 मार्क्स होंगे, 15 नंबर होंगे। ये था आपका पेपर पैटर्न। अब हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको ये नोट्स रिकमेंड करता हूँ, ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बने हैं, बिल्कुल छोटे से नोट्स हैं, ठीक है, ये देखें छोटे से नोट्स हैं, और इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करते हैं आप इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, अगर हम बात करें लेसन 1 की, तो लेसन 1 के अंदर, लेसन 1 के अंदर उसने जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, 15 नंबर का पैराग्राफ आता है, ठीक है, उसने बता दिया, उसने कहा पूरा लेसन ना करें, एक ये पैराग्राफ कर लें, 2, 3 और 4। अब आपने 5 और 6, ठीक है, 6, 7, 8, 8 उसने पैराग्राफ दिए हैं। अब आप चाहें तो 8ों काट लें, ठीक है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो क्या करें, आगे उसने मेंशन किया किस किस बोर्ड के अंदर आया है ये पैराग्राफ, जिसका जो बोर्ड है वो अपने बोर्ड के करें। लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट लाहौर बोर्ड का है, उसने चेक करना है LR लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लाहौर बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, आपने ये पैराग्राफ कर लेना है। उसके बाद इसको चेक करना है क्या इसमें लाहौर बोर्ड है, इसमें फिर लाहौर बोर्ड है, ये आप करें, ठीक है, यानी इसमें लाहौर बोर्ड है, इसमें भी लाहौर बोर्ड है, जिसमें लाहौर बोर्ड है वो अपने बोर्ड के कर ले, जिसमें लाहौर बोर्ड नहीं वो अपने बोर्ड के ना करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जो बोर्ड है वो अपने बोर्ड के पैराग्राफ करे। उसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निकाले हैं, टोटल कितने निकाले हैं, टोटल उसने 8 एक्सरसाइज किए हैं, 2 उसने एक्स्ट्रा निकाले हैं, 9वां 10वां, ठीक है, 10 उसने निकाले हैं, टोटली उसने 10 निकाले हैं। अब जो 10 निकालने हैं ये आपने 10 के 10 नहीं करने, अपने बोर्ड के करने हैं। लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट गुजरांवाला बोर्ड के, वो यहाँ पे चेक करेगा कि गुजरांवाला बोर्ड लिखा हुआ है, GW गुजरांवाला होगा, यहाँ पे देखें ये गुजरांवाला नहीं, मौजूद नहीं, ये स्किप कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन चेक करें, इसमें GW आया, गुजरांवाला 2017 में जा चुके हैं। ये तीसरे में चेक करें, नहीं, इसका मतलब जिसका जो बोर्ड है वो अपने बोर्ड के क्वेश्चन करें। उसके बाद आगे चलती है, मैंने कहा था पंक्चुएशंस की अगर बात करते हैं, ये देखें उसने पंक्चुएशन दी है, ये एक पैराग्राफ दिया है अनसोल्व्ड, इसको उसने पंक्चुएशन लगा के सोल्व किया है, टोटल उसने 4 निकाले हैं, ठीक है, ये 5 नंबर का पंक्चुएशन आती है, अभी हमने देखी है, एक 3 4 लाइन्स देगा, कहेगा कि इसकी पंक्चुएशन लगाएं, ठीक है, तो ये उसने 4 निकाले हैं पहले लेसन के। लेकिन आपने चारों के चारों नहीं करने, आपने अगर बोर्ड मेंशन है जिस बोर्ड में आया है वो अपने बोर्ड के काट लें, ठीक है, अपने बोर्ड के, जो अपने बोर्ड के अलावा किसी बोर्ड के करना चाहता है वो लाहौर बोर्ड के करे, अगर गुजरांवाला बोर्ड का कोई स्टूडेंट है वो अपने गुजरांवाले के करे, उसके अलावा लाहौर के करे, लेकिन जो लाहौर बोर्ड का स्टूडेंट है वो अपने बोर्ड के साथ गुजरांवाले के करे, बाकी तमाम बोर्ड्स वाले अपने बोर्ड के करें, और साथ अगर करना चाहते हैं लाहौर बोर्ड के कर लें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, MCQs के लिए ये नोट्स इंतहाई अच्छे नोट्स हैं, चाहे कोई वीक स्टूडेंट है, नॉर्मल है या आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, उसके लिए ये MCQs काम देंगे। अब ये देखें MCQs उसने दिया है, जो नीचे सही ऑप्शन है उसको उसने बोल्ड कर दिया है, इसका आंसर क्या है, इस MCQs का बी पार्ट है। अगर उसने मेंशन किया लाहौर बोर्ड में आया है, गुजरांवाला बोर्ड में आया है, तो ये आप MCQs करने हैं, तो इस नोट से आपके 20 के 20 MCQs यहाँ से आएंगे। ये देखें उसने MCQs निकाल दिए हैं, 6ठा 7वां 17 MCQs। उसके बाद
ये थे आपके एमसीक्यू। उसके बाद सिनोनिम्स उसने इम्पोर्टेंट निकाले हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स। और कोई भी यहाँ पे सिनोनिम्स आप देखेंगे उसके आगे उसने मीनिंग लिखे हैं। नीचे जो चार ऑप्शंस दिए हैं उसके भी उसने मीनिंग्स लिखे हैं ताकि आपको आसानी से पता चले किसका सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, किसका सही ऑप्शन कौन सा। ये देखें मॉकिंग इसका ऑप्शन। अच्छा, इस तरह एमसीक्यू, ये लेसन वन इस तरह कंप्लीट होता है, ठीक है। उसने बोर्ड्स के एमसीक्यू निकाल लिए हैं, तो जिसके आगे बोर्ड मेंशन नहीं, या पहली बात ये है कि एमसीक्यूज ऑल बोर्ड्स के किया करें। तो इस तरह ये लेसन वन था, यानी ये हमने देखे कि तमाम लेसन्स की तरतीब वही है, पैराग्राफ देगा, पंक्चुएशन देगा, शॉर्ट क्वेश्चन देगा, एमसीक्यूज देगा। तो उसके बाद हम बुक थ्री पे जाते हैं कि जो प्ले के क्वेश्चन है उसे कैसे लिखा है। 69 पेज, 69। अच्छा, ये नोट्स आप कैसे मंगवा सकते हैं और इनकी कीमत क्या है? अच्छा, यहाँ पे जो प्राइस लिखी है 140 लिखी है, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो प्राइस होगी या तो 120 होगी या 100 होगी, ठीक है। इसको ये कहाँ से आपको मिलेंगे, ये यहाँ पे ये रابطہ नंबर लिखा हुआ है, प्रोफेसर मियाँ अताउल्ला खान, ठीक है, गुजरांवाला से हैं ये, इनका रابطہ नंबर है, इनसे रابطہ करके ये मंगवा सकते हैं, बाय डाक के ज़रिए मंगवा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे हवाले से आप नोट्स को ख़रीदते हैं वो आपको मे बी वो ज़्यादा कंसेशन करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाय डाक के ज़रिए मंगवा सकते हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं, 69 पेज, 69। ये देखें, उसने ये जो प्ले दिया है पहले उसे उर्दू में लिखा है, इसे रीड करेंगे इस प्ले में है क्या, फिर आगे उसने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है, साथ उसे उर्दू में लिखा हुआ है आसानी के लिए। आगे बोर्ड मेंशन है, जिसका जो बोर्ड है वो अपने बोर्ड के क्वेश्चन करे, ठीक है। इस तरह ये देखें, टोटल उसने 12 क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है, टोटल उसने 12 क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये देखें 20 एमसीक्यूज़ निकाले हैं। उसके बाद सिनोनिम्स कितने निकाले हैं, ट्वेंटी सेवन इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है। अगर आप यही सिनोनिम्स करते हैं तो इन्हीं में से पेपर में एमसीक्यूज़ आएगा। इसी तरह दूसरा प्ले है। अब हम पोइम्स को चेक करते हैं, पोइम्स किस तरतीब से उसने दी हैं। पहली पोइम दी रेन, 92 पेज है। सबसे पहले उसने इसका मरकजी ख्याल लिखा है, ठीक है। तो स्टेंजा जो जो इम्पोर्टेंट है उसने आगे मेंशन किया, गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड में ये आ चुके हैं। उसके बाद दूसरा कैसे उसने दिया है रेफरेंस, ये देखें, उसने रेफरेंस दिया है, कंटेक्स्ट लिखा है, फिर एक्सप्लेनेशन लिखी है। दो ही उसने स्टैंजास निकाले हैं, ठीक है, दो ही उसने क्या करने हैं यहाँ पर। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, आगे बोर्ड मेंशन है, दो तीन पांच उसने निकाले, उसने कहा पांच ही आपने करने हैं। एमसीक्यू चेक करते हैं, ये चार एमसीक्यू निकाले हैं। उसके बाद सिनोनिम्स चेक करते हैं, उसने 10 इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स दिए हैं, ठीक है, 10 इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स दिए हैं। तो इसी तरह बाकी पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स कौन से हैं। 127 किस तरह उसने दिए, 127, 127। उसने आगे लिखा हुआ है सिक्स टाइम, छह दफ़ा ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है। दूसरा, उसके बाद तीसरा 8 दफ़ा आ चुका है, ठीक है। आगे जो 4 टाइम्स जो लिखा है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसका मतलब उसने टोटल दे के फिर आगे उसने मेंशन कर दिया इम्पोर्टेंट कौन से, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये है, ठीक है, कितनी दफ़ा आ चुका है। सिनोनिम्स हमने देख लिए। उसके बाद मोरल स्टोरीज, एप्लीकेशन और लेटर्स आप चेक करते हैं, ये 127, 127 से आगे चेक करते हैं। रिपोर्ट
यहाँ से मोरल स्टोरीज स्टार्ट होती हैं, ठीक है। उसने जिस तरतीब से दी हैं उसी तरतीब से इम्पोर्टेंट है। पहली उसने जो मोरल स्टोरी रखी है वो फर्स्ट नंबर पे जो रखी है वो उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सात उसने मोरल्स लिखे हैं। दूसरी नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, चौथे नंबर पे ये है, पांचवें नंबर पे ये है, छठे नंबर पे ये है, सातवें नंबर पे ये है। अगर पहली आप सात मोरल स्टोरीज इसकी करते हैं तो इसी में से एक आ जाएगी, ठीक है। टोटल उसने कितनी दी हैं? टोटल उसने 12 दी हैं। इसका मतलब पहली छः आपको होनी चाहिए। 12 उसने मोरल स्टोरीज दी हैं, तो इन 12 में से दो पेपर में आएंगे, कोई एक आपने करनी है, छः अच्छे तरीके से आपको होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट उसी तरतीब से हैं जिस तरतीब से उसने दी है। पहले नंबर पे इसको रखा है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरे नंबर पे ये रखी है, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँच, छः, सात, आठ उसने टोटल दी है एप्लीकेशंस के, आठ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने आठों करनी है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहली पाँच होंगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट लेटर, जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन कर लेंगे फिर लेटर करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऑप्शन होती है ना, लेटर या एप्लीकेशन कर लें, अपने एप्लीकेशन ही करनी है, ठीक है। जो लेटर करना चाहते हैं वो पहले कितने उसने लेटर दिए हैं, उसने लेटर दिए हैं आठ ही देगा पेपर में, पेपर के लिए उसने इसमें बल्कि 12 लेटर दिए हैं, तो बेहतर ये आप एप्लीकेशन ही करें, ठीक है। ये था आपका पेपर पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको नोट्स मैंने रिकमेंड कर दिए हैं, अगर आप ये नोट्स ले लेते हैं आप इजीली अच्छे तरीके से तैयारी कर सकती हैं। इसमें एक तो ये है कि जो नोट्स बने हैं ये स्मार्ट सिलेबस से लिए गए हैं। स्मार्ट सिलेबस के बाद इसे मज़ीद स्मार्ट किया गया है। आगे मेंशन है किस बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। अपने अपने बोर्ड्स के क्वेश्चन करें, अगर अपने अपने बोर्ड्स के क्वेश्चन और एमसीक्यूज करते हैं तो फिर ये जो नोट्स हैं ये मज़ीद आप छोटे कर लेंगे, समझ लेंगे, ये मज़ीद इतने रह जाएंगे, ठीक है, हाफ हो जाएंगे, क्योंकि आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं और एमसीक्यूज करने हैं, तो वो मज़ीद आपका जो स्मार्ट सिलेबस है वो और आधा हो जाएगा, यानी मज़ीद स्मार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।